सिंगरौली में मादक पदार्थ की बड़ी खेप ले जाते एक तस्कर को 3 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं धारदार हथियार के दम पर आवारागर्दी करने वाले 2 लोगों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई। एसपी टीके विद्यार्थी के निर्देश पर टीआई नागेंद्र सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम ने ग्राम पतेरी के पास से झोले में गांजे की खेप ले जाते रुद्राक्ष प्रसाद द्विवेदी को धर दबोचा। गांजे की कीमत 30,000 रुपए आंकी जा रही है। तस्कर के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एसटीओपी नीरज नामदेव के सतत देखरेख में एक अन्य मामले में धारदार हथियार के दम पर लोगों के बीच दहशत फैलाते मुन्ना लाल बसोर निवासी भागाडीह को मुंडन चौराहे के पास से एवं ग्राम ढूंढर NH 39 रोड से पकड़कर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में SIRH सोनकर, अनिल मिश्रा, रमेश कोल, आरक्षक अमित जायसवाल, विवेक सिंह शामिल रहे। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।